अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाकर दिखाएंगे चने की दाल फ्राई। चने की दाल फ्राई बनाना बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्याज लेंगे मीडियम, इसको बारीक काट लेंगे। एक टमाटर लेंगे, इसको भी काट लेंगे। एक चार पांच हरी मिर्च लेंगे, इसको भी बारीक काट लेंगे। ये मैंने 10 मिनट उबलने के लिए रख दिया था चने की दाल। अब इसमें तेल डालेंगे फ्राईविन में। अब एक चम्मच हल्दी लेंगे, इसको एक चम्मच लाल पीसी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और ये चाट मसाला है, एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और ये है धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, ये गरम मसाला है, एक चम्मच लेंगे। अब इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। ये पका हुआ प्याज तेल में डाल देंगे। ये एक दो पत्ती तेज पत्ता है और ये दालचीनी की लकड़ी है, थोड़ी सी डाल लें इसमें और इसको मसाले को तेल में डाल दें, अच्छे से उसको भूनें, अच्छे से पकने दें। फिलहाल मैं धनिया कुटका ले लेता हूँ। टमाटर और हरी मिर्च उसको मसाले में मिक्स कर देंगे। और ये धनिया पत्ता जल्दी से मैं काट लेता हूँ। इसको भी अच्छे से भून लें। भुन जाए तो अपने, ये नमक है, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। मैं दाल के हिसाब से डाल रहा हूँ। इसको अच्छे से भूनें। हम चने की दाल फ्राई बनाना सिखा रहे हैं। धनिया पत्ता मिक्स कर दें उसमें, मसाले में अच्छे से थोड़ी देर पकने दें इसको। चने की दाल इतना उबालें कि वो पूरी तरीके से न गले, उसके बाद इसमें मिला दें, या मसाले को चने की दाल में मिलाएं या चने की दाल मसाले में मिला दें। इसके बाद एक साथ पलटना है और ये इन्हें मिक्स करता हूँ। पूरा ही पलट देता हूँ। ये रख दिया, ये पूरा मिक्स हो गया है। ये देखिए,
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं नमक चेक कर लेता हूँ। आज मैंने दोस्तों को बुलाया था, होंगे तो लोग भी हम लोग साथ। ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने बंद कर दिया था, अभी मैं थोड़ा सा निकाल कर टेस्ट करके। चलिए मैं टेस्ट कर लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कोई टॉपिक लेके आएंगे और किसी अलग टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।